तो गाइस फाइनली अपनी 18x ड्राइव 3D के न्यू अपडेट में कावासाकी निंजा ZX10R, KTM RC एंड इसके अलावा निसान GT-R, इसके अलावा एक बहुत बड़ा मैप जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया ऐड हो चुका है। वेल गाइस आज मैं तुमको ये दोनों बाइक्स एंड निसान GT-R का चीट कोड तो बताऊंगा, इसके अलावा मैंने ना कंस्ट्रक्शन एरिया में एक ग्लिच फाइंड किया है तो वो भी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस पहले ना मैं तुमको यहाँ पर अपनी बाइक से स्पॉन करना सिखाता हूँ, उनके चीट कोड्स बताता हूँ, इसके बाद में तुमको इस मैप की लोकेशन बताने वाला हूँ। तो फोन में जाकर अगर हम 12 एंड 10 लिखकर कॉल करेंगे तो हमारे सामने KTM RC स्पॉन हो जाएगी। यहाँ पर तुम सोचोगे कि वही पुरानी अपडेट वाला मॉडल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तुम देखोगे तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं एंड चलाने में भी काफी बेहतर हो चुकी है पहले से। ऊपर वाले बचा ले, अच्छा हुआ कि मैं बच गया। मुझे लगा कि मैं जैसे जंप मारूंगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ कि बच गया। यहाँ से ना सामने वाले सीमेंट से जंप लगा के देखते हैं कि अपनी KTM से जंप लगा सकती है या नहीं। यहाँ पर मैंने जंप लगा ली, ओस भाई साहब कहाँ से बच गया। मैंने सोचा इस पिलर में अपनी गाड़ी लग जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ कि बच गई। तो अभी ना अंदर चलते हैं। यहाँ पर तुम देखो भाई साहब, यार कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया ऐड हो चुका है। एंड यार यहाँ पर दुख की एक बात ये है कि यहाँ से जो अपना शोरूम है ना वो गायब हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि डेवलपर्स ने ना जो शोरूम है ना वो डिलीट कर दिया है एंड इसकी जगह पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया ऐड कर दिया है। वेल दोस्तों अभी ना मैं तुमको कावासाकी निंजा ZX10R रिस्पॉन्ड करना सिखाता हूँ। तो फोन में जाकर हमने ऐसा करना है कि 400 लिखकर कॉल करना है। यहाँ पर अपने सामने ये कावासाकी निंजा का न्यू मॉडल आ जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ पर ड्राइव करके देखते हैं, देन इसके बाद ना मैं तुमको अपनी निसान GT-R जो कि न्यू कार अपनी गेम में ऐड हो चुकी है वो स्पॉन करना सिखाता हूँ। एंड देन दोस्तों मैं ना लास्ट में तुमको मीन्स के निसान GT-R को स्पॉन करने के बाद वो ग्लिच भी दिखाने वाला हूँ, तो उससे लाजमी देखना। अभी ना गाइज मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा करते इतनी बड़ी कार हम स्पॉन करने वाले हैं निसान GT-R, तो यहाँ पर क्यों स्पॉन करें। ऐसा करता हूँ यहाँ से उतर जाता हूँ, यहाँ ये जो टायर है ना इनके बराबर में जंप लगाता हूँ। सामने जो ये कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है ना इसके ऊपर चढ़कर मैं तुमको अपनी निसान GT-R स्पॉन करना सिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जंप कर लिया, इन सीढ़ियों पर मैं चढ़ चुका हूँ। अभी यहाँ से जल्दी से हम ऊपर चलते हैं एंड इसके बाद ना मैं हम अपनी कार को स्पॉन करने वाले हैं। तो यहाँ से एक सेकंड, ये क्या भाई साहब, मैं तो गिर गया, शायद अपने बंदे को चक्कर आ गए तभी। तो यार पता नहीं इसे क्या हुआ, मैं तो आराम से सीधा ऐसे ले जा रहा था, खुद ही इसने जंप मार दी या इसको चक्कर आ गए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये बंदा गिर गया। चलो फिर अच्छा हुआ कि फिर से सही हो गया है। तो जल्दी से अभी आराम आराम से ऊपर चलते हैं एंड हम अपनी कार को स्पॉन करते हैं। ऑलराइट गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ा वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर ली है ताकि हम जल्दी से वहाँ ऊपर पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर हमने सिंपली मोबाइल निकल कर 3005 लिखकर कॉल करना है। अपने सामने ये ऑरेंज कलर में निसान GT-R स्पॉन हो जाएगी। इसका लुक देखो, अभी ना मैं तुमको इसका पहले अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ बैठकर, देन इसके बाद इसका बाहर का लुक भी देखते हैं। तो यहाँ पर तुम इंटीरियर इसका देख ही सकते हो कितना मस्त लग रहा है एंड बाहर से भी यार इसका बहुत ही अच्छा सा जबरदस्त वो जो दिखने में अच्छी लग रही है। अभी यहाँ से मैंने इसको जंप करवा लिया, भाई साहब ये टूट गई, चलो खैर कोई नहीं। अभी ना इसे ऐसा करते हैं, सामने जो सीमेंट का गड्ढा पड़ा है ना इसके ऊपर से जंप करके देखते हैं कि ये अपनी कार जंप कर सकती है या नहीं। सामने वाला जो है ना, यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी को स्पीड दे दी है एंड भाई साहब एक सेकंड, ये क्या भाई, मैंने सोचा कि इतना बड़ा जंप करकेगी कि मैं सीधा रैंप के ऊपर जाकर गिरूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो खैर अभी ना मैं तुमको वो ग्लिच दिखा देता हूँ जो कि मैंने अभी अपनी गेम में फाइंड किया है। मैं ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वाली साइड से मैंने सोचा कि बाहर निकलता हूँ भाई सब, जहाँ यहाँ जैसे ही मैं पहुँचा तो मैंने एक NPC देखा जो कि इस दीवार में अटक गया है। ये ग्लिच आप देख ही सकते हो और दूसरा NPC वहाँ पर। अभी ना अगर हम सामने वाले NPC के पास जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। अभी मैं तुमको जाकर दिखाता हूँ, ये आप देखना मैं इसके पास आ चुका हूँ और ये बंदा देखो गायब हो गया। अभी मैं ना दीवार टैप कर देखता हूँ कि उस तरफ है या बिल्कुल गायब हो गया। भाई साहब ये क्या, मैं तो आराम से दीवार टाप रहा था, अपना बंदा क्यों गिर गया। इससे यार पता नहीं कौन से सस्ते नशे इसने कर रखे हैं। वेल गाइस यहाँ पर ना ये जो NPC है आ चुका है, मीन्स के वहाँ से यहाँ आ गया बिना दीवार टापे और हमने इतनी मेहनत करी तो भाई तू मर जा।
वेल तो गैस अमीन, हम ऐसा करते हैं कि अपनी निसान GTR को वापसी से स्पॉन करके यहाँ पर इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं कि इसमें स्पीड कितनी है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, अभी इसको फुल स्पीड देखकर चलाते हैं कि ये अपनी गाड़ी देखते हैं कि कितनी स्पीड पकड़ पाती है। पहले तो मैं इस रैम से इसको जंप करवाता हूँ ताकि पता चले कि इसमें कितना पावर है। आई थिंक कि सामने वाले जो रैंप है ना, इसके ऊपर जंप कर लेगी, लेकिन यार शेट नहीं कर पाई। चलो फिर कोई नहीं, ऐसा करते हैं कि पहले तो इसकी फुल स्पीड इंक्रीज़ करते हैं। देन आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी जिसमें हमने ना सारी सुपर कार्स को इस वाले रैम से जंप करवाया था, तो अभी हम ऐसा करेंगे कि इस निसान GTR को भी इस वाले रैम से जंप करवाने वाले हैं। देखते हैं कि ये इन सभी कार्स को टक्कर दे पाती है नहीं, मीन्स कि इन सभी कार्स से बड़ा जंप कर पाती है नहीं। अभी ये जो रैम है ना, वो अपने घर वाली साइड है, तो मैं जल्दी से अपने घर चलता हूँ पहले, इसके बाद इस रैम से अपनी कार को जंप करवाते हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर अपनी गाड़ी की स्पीड देख ही सकते हो, मेरे से यार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एंड यहाँ पर तुम देख ही सकते हो मैंने ड्रिफ्ट मारी, लेकिन अच्छे से ड्रिफ्ट नहीं मारी। एक तो यार पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से आ चुके हैं। चलो खैर एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पर ये जो रैंप थी शायद डेवलपर्स ने इस रैंप को भी डिलीट कर लिया है भाई, जंप नहीं लगा सकते। चलो खैर कोई नहीं, मैंने ना अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ग्राफिक्स को इन्हेंस किया है। अगर वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ, बाकी अगर ये सुपर कार्स की पावर देखनी है इस रैंप से जंप करवाने वाला हूँ तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ।